नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कोखरास थाना क्षेत्र अंदावा गांव के पास हाईवे मार्ग पर गाटा संख्या 66 रकबा 2325 है, जिसमें स्थित होटल को 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट किया गया, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक होटल संचालक ने मालिक को किराया नहीं दिया। इस पर धीरे धीरे एग्रीमेंट का समय समाप्त हो गया, लेकिन होटल संचालक ने मालिक को पैसा नहीं दिया और ना ही होटल खाली करने के लिए तैयार था। होटल संचालक गुंडई के बल पर जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख की रंगदारी मांग रहा था। इस पर जमीन मालिक की पत्नी व लड़की ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। इस पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर 2 लोगों को जेल भेज दिया, जबकि अन्य 4 लोग पुलिस पकड़ से बाहर हैं। होटल संचालक के जेल जाने पर होटल में पड़ा सामान तितर बितर हो रहा था। इस पर जमीन मालिक की लड़की ने गणमान्य लोगों के सामने होटल संचालन का सामान लिस्ट बनाकर सुरक्षित करवा दिया। इसके बाद लिखित सूचना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी गई। अंदावा गांव निवासी जयदीप उपाध्याय नरमई गांव के रहने वाले समीम पुत्र लल्लन को किराए पर अपनी जमीन गाटा संख्या 66 रकबा 2325 में अपना ढाबा के नाम से होटल बनवा दिया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2015 में एग्रीमेंट हुआ कि 6500 रुपए प्रतिमाह जमीन और बिजली का किराया 1 वर्ष तक लिया जाएगा। इसके बाद प्रतिवर्ष 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर 2020 में एग्रीमेंट समाप्त होगा। सौम्या उपाध्याय का आरोप है कि न्यायालय में होटल खाली करने के लिए मामला विचाराधीन है, जिसमें होटल का लगभग 4,50,000 किराया और 2 लाख बिजली का बिल बकाया है। कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी जमीन मालिक को आदेश मिलेगा उसके अनुसार वह आगे की कार्रवाई करेंगे। UFT News 24 के लिए मंशी लाल की रिपोर्ट।